सारा भयान है दोस्तों। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। मानता हूँ यार, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो दिया है, 5 साल से भर्ती आ नहीं रही है, लड़के तैयारी कर करके थक चुके हैं, दुनिया भर का पैसा खर्च होता है, मेहनत खर्च होती है, टाइम के साथ साथ स्ट्रेस भी झेलना पड़ता है। काफ़ी समाज में काफ़ी तरह के लोग हैं जो ये भी बोलते हैं तेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, तेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों फाइनली यार ये तो है नहीं कि हम हताश होकर बैठ जाए, निराश होकर बैठ जाए। जीवन में कुछ करना है, ठान लिया ना तो ठान लिया। कहते ना यूं ही नहीं मिलती राही को राहू में मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। तो दोस्तों अभी एक वैकेंसी आई है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों वो वैकेंसी है FCI में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य विभाग में चौकीदार की वैकेंसी निकली है 1000। उसके फॉर्म अब एक दो दिन में स्टार्ट हो गए हैं। और जो भैया बोल रहे थे ना कि सर और कोई वैकेंसी है, तो दोस्तों 1 महीने बाद में एक वैकेंसी और आ रही है MTS की, मल्टी टास्किंग स्टाफ, 10,000 वैकेंसी है चौकीदार कुक। उसमें जिस हिसाब से आपकी एबिलिटी है, जिस हिसाब से आपकी योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती अगर मार्च में नहीं आई तो कभी नहीं आएगी, तो पूरी पूरी संभावना है नेक्स्ट मंथ ये भर्ती पूरी डिक्लेयर हो जाएगी। इसके बारे में मार्च में पूरा कन्फर्म पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों जो भाई आज तक जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा परेशान है, वो दिल्ली पुलिस होमगार्ड में 12,356 वैकेंसी अभी आई हुई है, 30,000 वैकेंसी अभी पोस्टेड है, क्योंकि 2025-24 लास्ट तक इसमें इलेक्शन होने हैं दिल्ली में, तो ये 40,000 होमगार्ड के यहाँ पे पद भरे जाएंगे। तो जो भाई है जिनको होमगार्ड में जाना है वो जा सकता है, और जिनको आर्मी में ही जाना है तो आर्मी में AOC और आर्मी में पोर्टर्स की ASC में काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है, वहाँ आप ज़रूर फॉर्म भरें। और आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कोई कमेंट हो, क्योंकि सर आप बोलते हो कि सर आप वीडियो बनाते हो लेकिन आपकी भर्ती अभी आई नहीं, आपने 1 साल से वीडियो बना रहे हो कंटिन्यू। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा, मुझे पता है यार आप कितना स्ट्रेस झेल रहे हो, कितना आपने खर्चा होता है, कितना पढ़ाई का खर्चा होता है, किस तरह तैयारी करने में कितनी कठिनाइयाँ होती है, हम उस दौर से गुजरे हुए हैं तो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कोशिश किए हुए जय जयकार नहीं होती। तो दोस्तों आप सभी तैयारी करें, लगातार तैयारी करें, आपकी 100% आपको सक्सेस मिलेगी। इसी आशा के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि ये जो MTS की 10,000 वैकेंसी आई है, AOC की वैकेंसी आई है, FCI की वैकेंसी आई है, SSC GD की आने वाली है, टेरिटोरियल आर्मी की आने वाली है, उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। जय हिंद जय भारत।